हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 18 दिसंबर 2018 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज डिस्कशन की तरफ। पहला जो आर्टिकल आया आज वो है इंडियन नेवीज आईएफसी आईओआर के बारे में। तो आईएफसी आईओआर का मतलब क्या है पे वो हम देखते हैं। तो बेसिकली कंटेक्स्ट के साथ डिस्कस करते हैं, तब और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, इंडियन गवर्नमेंट है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है वो बनाने की तैयारी कर रही है। किस लिए? ताकि इंडियन ओशन में मेरीटाइम सिक्योरिटी और जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज है उसको इम्प्रूव किया जा सके। इसके लिए तो आईएफसी का मतलब यहाँ पे है इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, और आईओआर का आपको जैसे यूजुअल पता ही है कि इंडियन ओशन रीजन, कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर मतलब एक तरीके से सेंटर बनाने की कोशिश इंडियन गवर्नमेंट है वो डिसाइड कर रही है, ताकि मेरीटाइम सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जा सके, जहाजों वगैरह को ट्रैक किया जा सके, और जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी रिलेटेड कंट्रीज हैं जिसमें सिग्नेटरी हैं उनके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सके, ताकि इस इंडियन ओशन के रीजन में मतलब किसी दूसरी कंट्री हो यहाँ पे मनमर्जा कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ ना कर सके। अब देखो, हम यहाँ पे दो चार चीज़ें डिस्कस है वो करने वाले हैं। ये बेसिकली जो सेटअप है ये सारा किया जाएगा इंडियन नेवी के द्वारा। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी इसको सारे को सेटअप करने वाली है। और इसके लिए हम बात करें कि इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर है वो बनाया जाएगा गुड़गांव हरियाणा में, गुरुग्राम सॉरी। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। इसके साथ ही जो ये यहाँ पे इंडियन नेवी का आईएफसी आईओआर है ये बेसिकली क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी इस एरिया में कॉमर्शियल शिप ट्रेवल करेंगी या फिर और भी तरह की शिप्स हैं उन सब का डाटा इसके पास रहेगा। किसी भी कंट्री को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है वो सारे काम मॉनिटरिंग वगैरह यहाँ पे की जाएगी, ताकि यहाँ पे कोई भी अवैध कार्य ना किया जा सके, जो भी पायरेट्स वगैरह हैं उनको कंट्रोल है वो किया जा सके। इसके साथ ही जो इंडियन ओशन वाला रीजन है इसमें मेरीटाइम सिक्योरिटी है, और जो यहाँ पे ट्रेकिंग जो पायरेसी होती है इसको रोकने के लिए, टेररिज्म को रोकने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, साबित है वो होने वाला है। तो एक तरीके से हम बात करें कि आईएफसी आईओआर है क्या, तो यह एक तरीके का मेरीटाइम इन्फॉर्मेशन हब है। मतलब इंडिया एक हब के तौर पर काम करेगा, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहेंगी कि इस रीजन से कौन कौन जा रहा है, कौन कौन सी शिप किस टाइम पर गई है, किस क्या क्या उससे रिलेटेड उसमें सामान वगैरह था। तो इससे क्या है कि एक क्लियरिटी बनी रहेगी कि भाई हाँ इस वाले रीजन से इस चीज़ का ट्रेड हो रहा है, और ये वहाँ पे डाटा, ये यहाँ पे प्राइवेसी का इश्यूज़ है, ये यहाँ पे सिक्योरिटी का इश्यूज़ वगैरह है, जो भी सारी चीज़ें उनको एड्रेस किया जाएगा। इसके साथ ही एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो ये इंडियन ओशन रीजन है ना, इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनको हम समझ पाएंगे, और जो भी मेजर कंसर्न्स हैं उनसे निपटने के लिए हम स्टेप हैं वो उठा सकते हैं। तो ये इसके बेसिकली बेनिफिट है वो होने वाले हैं। अब यहाँ पे दो चार छोटे छोटे फैक्ट और हैं कि बेसिकली जो आईएफसी आईओआर है इसमें वही कंट्री को सर्विस दी जाएगी जिन्होंने बेसिकली इंडिया के साथ एक तरह से एग्रीमेंट है वो साइन किया है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, जिसका नाम है वाइट शिपिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। देखो, वाइट शिपिंग का मतलब यहाँ पे क्या, मतलब जो शिप ऑथोराइज तरीके से ट्रेवल कर रही हैं वो यहाँ पे वाइट शिप हैं। जिसे कहते हैं ना ब्लैक मनी। ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है, वो पैसा जो अवैध या इलीगल तरीके से कमाया हुआ है या फिर उसमें टैक्स वगैरह नहीं पे किया होगा, तो वो होता है अवैध या काला धन। उसी तरीके से वाइट शिपिंग का मतलब क्या है कि जो अकॉर्डिंग टू रूल के मुताबिक जो काम शिपिंग वगैरह ट्रेवल कर रही है उनकी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए एग्रीमेंट है वो साइन किया हुआ है, उनको बेसिकली इंडिया यहाँ पे डाटा भी प्रोवाइड करवाएगा। इसके साथ ही इंडिया ने एक एग्रीमेंट भी साइन किया जिसका नाम है ट्रांस रीजनल मेरीटाइम नेटवर्क। तो ये तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर तो कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी कॉमर्शियल शिप हैं इस रास्ते से जाएंगी तो उनको बेसिकली इंडिया ट्रैक है वो करेगा। इसके लिए बेसिकली जो इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसने एक चिप का निर्माण किया है जिसका नाम है ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो ये एक तरह की चिप है जो कि जो भी इस वाले एरिया से शिप जाएंगे उनके ऊपर लगी हुई रहेगी कंपल्सरी तौर से, और इंडिया है फिर उनको ट्रैक कर सकता है शिप वगैरह को, ताकि बाई चांस अगर जैसे कोई भी समुद्री जो लड़ाकू लुटेरे हैं अगर उनका अटैक भी होता है तो इंडिया फिर उनको हेल्प प्रोवाइड करवा सके, कि फिर कोई भी लीगल एक्टिविटीज़ होती है तो उनको रोकने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है वो रहेगा। तो यह ध्यान रखने की जो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन नंबर चिप की है वो बेसिकली फिट की जाएगी, और उसकी हेल्प से इंडिया फिर उनको ट्रैक है वो कर पाएगा। तो ये बेसिकली कुछ न्यूज़ आई थी जिसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है माउंट सोपुतन वोल्केनो के बारे में। तो देखते हैं कि माउंट सोपुतन वोल्केनो कहाँ से रिलेटेड है। देखो, बेसिकली है सेंट्रल इंडोनेशिया में ये वोल्केनो है, और ये अभी एक्टिव हुआ है। अभी जो 16 दिसंबर थी इस दिन ये बेसिकली दो बार एक्टिव हुआ, और काफ़ी इसके द्वारा धुंध वगैरह फैल गई थी आकाश में। तो एक तो ये ध्यान रखनी है कि माउंट सोपुतन जो वोल्केनो है वो है कहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है कि इंडोनेशिया में है। इसके साथ ही अहम बात क्या है कि वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है इंडोनेशिया का, और ये बेसिकली इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जिसका नाम है
सुलावेसी आइलैंड उसमें बेसिकली है स्थित है। देखो आपको पता है कि इंडोनेशिया एक छोटे छोटे आइलैंड की कंट्री है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो सारा इंडोनेशिया का मैप आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारा इंडोनेशिया की छोटे छोटे मतलब आइलैंड यहाँ पे बने हुए हैं, और ये यहाँ पे वो जो आइलैंड है सुलावेसी आइलैंड, तो सुलावेसी जो आइलैंड है इसके अंदर ही एक्टिव वोल्केनो है, और जो भी एक्टिव है वो हुआ है, तो उसको लेके कंटेक्स्ट है। तो एक तो थोड़ी हमें लोकेशन है वो पता होना चाहिए कि भाई लोकेशन है कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बेसिकली हो जाते हैं। अब हम चलते हैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट हैं वो। देखो बेसिकली हम बात करें कि यहाँ पे जो हमारा इंडोनेशिया है इसके अंदर टोटल तो 129 या 129 एक्टिव वोल्केनो है, जिसमें जो माउंट स्पोतनो है वो एक सिंगल है। इसके अलावा दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनका नाम है, एक तो है केलुड और एक है मेरापी। अब देखो यूपीएससी इनके बारे में पूछ सकती है कि एक्टिव वोल्केनो में से आपको ऑप्शन दे दे, क्योंकि भी रिसेंटली न्यूज़ में है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो केलुड और जो मेरापी एक्स हैं वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव वोल्केनो है इंडोनेशिया के, जो कि बेसिकली जो आपको पता है कि जावा सॉरी जो इंपॉर्टेंट आइलैंड है इंडोनेशिया का उस पर स्थित है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जावा आइलैंड पे बेसिकली दोनों इंपॉर्टेंट जो एक्टिव वोल्केनो है वो स्थित हैं, और इस पर काफ़ी सारे लोग भी जब ये रहते हैं तो मतलब काफ़ी सेंसिटिव एरिया हो जाता है। इसके साथ ही से हम जानते हैं कि द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है उसी के ऊपर बेसिकली इंडोनेशिया वो स्थित है, और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में काफ़ी ज़्यादा भूकंप हैं, अर्थक्वेक हैं, वोल्केनो है वो बेसिकली एक्टिव हैं, वो होते रहते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हो जाता है। तो एक बार हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का जो एरिया है वो देख लेते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। तो देखो बेसिकली आपको पता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाला एरिया वो है जहाँ पे दो प्लेटें हैं वो बेसिकली काफ़ी खिसक रही हैं, और वो काफ़ी अनस्टेबल है, और वहाँ पे काफ़ी सारे भूकंप वगैरह आते रहते हैं। तो ये पैसिफिक वाला जो रीजन है मतलब द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सा इसमें एरिया इंक्लूड है। इसके साथ ही यूपीएससी देखो प्लेटों के बारे में भी क्वेश्चन पूछती है, और स्पेशली जो प्लेटें छोटी हैं ना इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे एक तो फिलीपींस प्लेट का हमें पता होना चाहिए कि फिलीपींस प्लेट है वो है कहाँ पे, तो आप इसकी लोकेशन देख सकते हो कि जो साउथ चाइना सी वाला एरिया है वहाँ पे बेसिकली इसकी लोकेशन है वो आ रही है। इसके साथ ही इंडियन जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है उसका तो हमें बेसिकली पता है, और पैसिफिक प्लेट के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। नेजका प्लेट हमें पता होना चाहिए कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड पर नेजका प्लेट है, और इसी के साथ ही नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो सेंट्रल अमेरिका है उस वाले रीजन के पास में एक प्लेट है जिसका नाम है कोकोस प्लेट, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। यूपीएससी के बारे में लोकेशन पूछ लेती है, या फिर इनको नॉर्थ टू साउथ भी रेंज करवा सकती है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि भाई इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। इसके साथ एक छोटी सी और प्लेट है जिसका नाम है कैरेबियन प्लेट, तो जैसे हम जानते हैं कि कैरेबियन जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं वो बेसिकली इस वाले मतलब अटलांटिक ओशियन में है, नॉर्थ अमेरिका के थोड़े साउथ और ईस्ट वाले रीजन में, या आप बोल सकते हो कि साउथ अमेरिका के जस्ट नॉर्थ वाले एरिया में कैरेबियन प्लेट है, और वहाँ पे कैरेबियन आइलैंड के छोटे छोटे द्वीप हैं जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ भी एक कंट्री है। तो इसके छोटे मोटी मोटी लोकेशंस का पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वह है वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2018। तो देखो पहले तो चीज़ ये ध्यान रखने की वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2018 वो किसके द्वारा दिए गए हैं, ये बेसिकली दिए गए हैं नीति आयोग के द्वारा। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, पहले नीति आयोग के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था, एक इनिशिएटिव था जिसका नाम है वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, तो अभी इसका सेकेंड एडिशन भी लॉन्च किया गया। तो पहले हम ये जानते हैं कि वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है क्या। देखो ये बेसिकली इसलिए चलाया गया था नीति आयोग के द्वारा ताकि हमारे देश में जो वुमेन इंटरप्रेन्योर्स हैं ना इनको प्रमोट किया जा सके, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में वुमेन की हालत ज़्यादा ठीक नहीं है, उनको उनके साथ इक्वलिटी का व्यवहार नहीं किया जा रहा है, इसलिए गवर्नमेंट उनकी हालत को इम्प्रूव करने के लिए वो एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस वाले मामले में आ गए हैं, इसके लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। तो यह प्लेटफॉर्म नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसका काम यही है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का कि बेसिकली जो वुमेन है जो वुमेन एंटरप्रेन्योर जो कि सर्विस सेक्टर में काम करना चाह रही हैं बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स के एरिया में, तो उनको हेल्प है, उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करवाना, उनके लिए मीटिंग वगैरह अरेंज करवाना, या फिर उनके लिए वर्कशॉप वगैरह है, कोलेब्रेशन है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, डिफरेंट जो फॉरेन की कंट्रीज हैं उनके साथ बेसिकली समन्वय कराना, एक इकोसिस्टम तैयार करना ताकि हमारे देश में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है इनको प्रमोट किया जा सके। तो ये प्लेटफॉर्म नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो अभी इसका तीसरा एडिशन बेसिकली लॉन्च है वो किया गया था, और उसी मौके पर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म 2.0 लॉन्च किया गया। तो ये बेसिकली कंटेक्स्ट था। अब हम बात करें जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया अवार्ड है वो भी बेसिकली इसी प्लेटफॉर्म के द्वारा ही लॉन्च है वो किए गए हैं, जो कि नीति आयोग ऑर्गेनाइज है वो करता है। तो ये ध्यान रखनी है कि वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड है वो नीति आयोग के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और अभी रिसेंटली 15 ऐसी वुमेन हैं जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में काफ़ी अच्छा काम किया इंडिया में 2018 साल में, उनको बेसिकली इस अवार्ड से नवाजा गया है, और तीसरा एडिशन इन अवार्डों का वो अभी स्टार्ट किया गया है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है
जैसे आपको पता है कि नीति आयोग बना था 2015 में, और उसके बाद 3 साल अभी हुए हैं, तो तीसरा एडिशन इसका लॉन्च किया गया है। और इस बार जो थीम है वो हमें ध्यान रखनी है, वो है वुमेन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये जो थीम है वो किसकी है, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2018 की। तो ये फैक्ट यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है इंडिया नेपाल भूटान ज्वाइंट टास्क फोर्स टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। तो बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा कहीं फोल्डर मटेरियल के तौर पे इसका यूज है वो कर सकते हैं। देखो आपको पता है कि इंडिया नेपाल भूटान आपस में बॉर्डर है वो शेयर करते हैं, और इनका जो बॉर्डर वाला एरिया है वो भी काफ़ी डिफिकल्ट टेरेन वाला है एक तरीके से। तो वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है, अब देखो वाइल्ड लाइफ इंडिया के हिस्से में भी आती है वो एरिया सेंसिटिव, और वो भूटान में भी आता है कुछ हिस्सा, कुछ हिस्सा नेपाल में आता है। तो तीनों का ज्वाइंट वाला एरिया है ना, उस वाले एरिया के अंदर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे जो स्मगलिंग वगैरह होती है या फिर एक तरीके से जो भी पोचिंग वगैरह होती है उनको रोकने के लिए तीनों देश हैं उन्होंने आपस में एग्रीमेंट साइन किया है। तो यूपीएससी पूछ सकते हैं कि बांग्लादेश के साथ साइन हुआ है किसके बाद, तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि नहीं भाई इंडिया नेपाल भूटान है वो तीनों साथ आ रहे हैं, ना कि यहाँ पे बांग्लादेश वगैरह साथ नहीं है। क्योंकि जो कंचनजंगा लैंडस्केप वाला एरिया है वो ट्रांस बाउंड्री रीजन है, जो बेसिकली वो नेपाल में भी फैला हुआ है, इंडिया में भी है और भूटान में भी है। तो उस वाले एरिया में जो भी एक तरीके से इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे टाइगर्स वगैरह भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, वहाँ पे वन हॉर्न राइनो भी हैं, तो उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बेसिकली इनिशिएटिव वो स्टार्ट किया गया है। एक कि हम बात करें पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं उनको बेसिकली यहाँ पे फोकस करते हुए काम इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। तो कंटेक्स्ट भी हम देख लेते हैं और इसके साथ हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जानेंगे। कंटेक्स्ट ये है कि वर्ल्ड लाइफ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली हम बात यहाँ पे करें कि द कॉर्बेट फाउंडेशन है, उसके द्वारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्वेशन इंडिया एंड सेंचुरी नेचर फाउंडेशन है उसकी हेल्प से एक इनिशिएटिव या कैंपेन स्टार्ट किया गया है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। तो ये आप देख सकते हो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो फोटो आप यहाँ पर लगी हुई है। अब देखो जो हमारे देश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं इनकी काफ़ी संख्या बहुत तेज़ी से कम हो गई है। ये अभी तक बात करें तो लगभग इनकी संख्या 150 के आसपास ही बची है। क्यों? क्योंकि देखो एक तो इनकी जो दृष्टि है वो काफ़ी दूर नहीं होती, मतलब काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस तक ये देख सकते हैं, इसलिए जो हाई पावर की ट्रांसमिशन लाइन होती है ना उनसे टकरा के इनकी मौत है वो हो जाती है। तो ये एक मेजर रीज़न है कि इसकी वजह से इनकी डेथ बहुत ज़्यादा है वो हो रही है। बाकी भी देखो बहुत सारे रीज़न है कि एक तो इनका जो आवास है, जो नेचुरल हैबिटेट है वो ख़त्म होता जा रहा है, ये जो और जानवर्स हैं उनकी वजह से इनको काफ़ी डिजीज़ फैल रही हैं, इनका माइग्रेशन हो रहा है, जो यहाँ पे हम बात करें कि बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है, तो धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जा रही है। बट जो सबसे कम सडनली संख्या कम हुई है उसमें अहम रीज़न ये है कि जो हाई पावर की जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उनके टकराने से इनकी मौत बेसिकली हो जाती है। तो ये एक अहम रीज़न है, तो इसीलिए हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जानते हैं। तो देखो बेसिकली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है। इसके साथ ही CMS कन्वेंशन और जो साइट्स की अपेंडिक्स वन है उसमें इसको उस प्रोटेक्शन का दर्जा दिया गया, मतलब बहुत ज़्यादा इसको सिक्योरिटी का माहौल है वो दिया गया है। इसी के साथ ही IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें इसको भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में शामिल कर दिया गया, मतलब एक तरीके से ख़त्म होने के कगार पर धीरे धीरे बढ़ रही है। और इसके लिए इंडिया में एक प्रोजेक्ट भी चलाया गया था राजस्थान में जिसका नाम है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो इसका मेन मोटो ये था कि भाई जिन एरियो में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं उन एरियो की एक तरीके से फेंसिंग की जा सके और वहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो ब्रीडिंग है उसको प्रमोट किया जा सके और ताकि इनकी संख्या को सुनिश्चित किया जा सके। अब हम बात करें कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंडिया में कौन कौन से एरिया में प्रोटेक्ट किया जाता है। तो वो एक तो है डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी जो कि राजस्थान में, और दूसरा है वो है बेसिकली यहाँ पे रोलापाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि है आंध्र प्रदेश में, और तीसरा है यहाँ पे केरला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि है मध्य प्रदेश में। तो इन तीनों एरिया में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए अभियान है वो चलाए जा रहे हैं। तो ये कंटेक्स्ट के साथ हमने सारी न्यूज़ थी वो डिस्कस की। तो ये थी देखो बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।